आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपके प्योर पेपर्स हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी टेक्सोनॉमीक्लेचर किस तरीके से नॉमिक्लेचर परफॉर्म करते हैं क्या क्या ध्यान में रखा जाता है ट्री के बेसिस पे वो सब बात किया जाता है क्लासिकल एंड क्वानिटेटिव मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी आप कैसे करते हो क्लासिफिकेशन हम क्यों बोलेंगे कि भाई ये आर्किया के फैमिली में है ये बैक्टीरिया के फैमिली में हाउ वी मेक दैट ट्रीज ऑल दैट इज डिस्कस इन दिस मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी पार्ट नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट द मोनेरा प्रोटेस्टा अलगी फैंजा प्लांट क्लासिफिकेशन को बता है जो आपका फाइव किंगडम सिस्टम है उसके हिसाब से क्लासीफाई किया जाएगा एनिमल क्लासिफिकेशन अलग से पढ़ा जाता है एंड देन लास्टली वी हैव अबाउट दी एनजीओसपॉम्स की भाई इसमें हम लोग किस तरीके से डाइवर्सिटी की स्टडी करते हैं और इसमें और क्या क्या चीजें अलग से आती है सो इन दिस वे द एंटायर सिलेबस इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर यू ऑल और अगर आप यहाँ से देखोगे तो पहले टॉपिक से सिर्फ दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड से एक और एक पूछा गया है उसके बाद में आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे आपको पूछा पूछा गया गया है एंड लास्ट से सिर्फ रिसेंटली एक क्वेश्चन हमको था सो so, मैम क्या किया जाए इतने कम क्वेश्चंस तो क्या पढ़ा जाए नहीं पढ़ा जाए तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकती हूँ बच्चों की अगर आपको पसंद है ये सारे टॉपिक्स पढ़ना तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो इसमें आप लोगों को बहुत दिमाग लगा के बहुत समझने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें आपको ऐसा है कि अगर आपके पास में प्रॉपर इसके नोट्स है इफ यू रिवाइज द मल्टीपल टाइम्स तो भी आप लोगों का टॉपिक हो सकता है बट कि और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपके प्लांट फिजियो और वी कैन प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड बट उसके अलावा आपको इसका रेफरेंस और कहीं पे नहीं आता है हार्डली यू कैन गेट वन मोर रेफरेंस इन द एवोल्यूशन पार्ट अगर मैं बात करूंगी

एनिमल तो क्लासिफिकेशन जो है वर्टीब्रेड इन ब्रिड किस तरीके से किया जाता है तो वहां से थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल सकते हैं बट ओवरऑल आपके इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं एवरी ईयर वी कैन सी यहाँ से या तो क्वेश्चन आ रहा है या तो नहीं भी आ रहा है ठीक है 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन है 22 में तो कोई क्वेश्चन नहीं है 21 में एक क्वेश्चन है 20 में एक क्वेश्चन है 19 में 18 में 17 में देर इज नो क्वेश्चन आस्ट तो आप देख सकते हो कि ये टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है हमारी एग्जाम के अंदर सो डोंट वेस्ट योर टाइम इसको ज्यादा पढ़ने के लिए ऑफ कोर्स इसको पढ़ो बट इस पर बहुत टाइम इन्वेस्ट मत करो जस्ट रीड द टॉपिक्स जो भी जहां से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स के आप थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लो एक बार एफर्ट्स ले लो उसके लिए एंड वंस यू मेक द शॉर्ट नोट्स उसको आप रिवाइज करते रहो उसको आप लर्न करते रहो तो आपका ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा सो आई होप दिस वीडियो यूजफुल टू यू ऑल और आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो प्लीज पिन इन द कमेंट बॉक्स हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग